आने वाली है जो तुमने अपना कमरा साफ करना शुरू कर दिया। हाँ, लगता है सूरज पश्चिम से उगा है। ओफो मामा, अब तो इस कमरे के भाग खुल गए समझो। आगे से ये तुम्हें बिल्कुल शीशे की तरह चमकता नजर आएगा। हाँ, धूल जमा हो जाए तो जरा साफ कर देना। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ डस्टिंग। क्या क्या कहा, डस्टिंग कर दूं? महारानी जी, अब आप बड़ी हो चुकी हैं, हाँ? इस कमरे की सफाई से मुझे छुट्टी दीजिए, समझे आप? पर मामी, जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मेरा मतलब यहाँ से चली जाऊंगी, तब तो तुमको ही ये कमरा साफ करना पड़ेगा। नहीं रहोगी, चली जाओगी? क्या मतलब? बैठो मामा, मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक फ्लैट अपने लिए किराए में ले लूं। हाँ, अपने लिए किराए पे एक फ्लैट? तो ये घर किसका है, तुम्हारा नहीं है क्या? नहीं मम्मी, तुम समझती क्यों नहीं, मुझे नौकरी मिल गई है, अब मैं किसी के ऊपर, आप लोगों के ऊपर भी डिपेंड नहीं करना चाहती। डिपेंड नहीं करना चाहती? अपने घर में शिफ्ट करोगे? अब तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? श्याम, हे भगवान, ये मुझे क्या दिन दिखा रहे हो? मेरे अपने ही बेटी मुझसे दगा कर रही है। श्याम, देखो ना अपनी बिटिया रानी को, देखो क्या बात कर रही है, कहती है अपने घर में शिफ्ट करूंगी। अब क्या करूं? मैं कहती थी ना कि जितनी जल्दी हो सके हमें इसकी शादी तय कर देनी चाहिए। ओफो, इतना बड़बड़ाती क्यों? मुझे पूछने तो दो कि मामला क्या है। पूछ लो। लगी एकदम से बड़बड़ करने? ठीक है, पूछ लो। ओके प्रिया, ये सब क्या हो रहा है? डैड, मैं और मेरी दो सहेलियों ने एक फ्लैट शेयर करने की सोची है। कमाती हूँ, इसलिए अब लगता है इस घोंसले से उड़ने का वक्त आ गया है। यहाँ तुम्हें किस बात की कमी है, हा? हमने तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की है, फिर अचानक तुम्हारे सिर पर ये क्या भूत सवार हो गया है? कभी कभी तुम एकदम पहेली लगती हो। मैं पहेलियां नहीं बुझा रही हूँ, मेरी बात बेवजह नहीं है। मैं आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहती, इतने दिनों तक तो कोई उपाय नहीं था, पर अब नौकरी करती हूँ, आजादी की खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ, ले सकती हूँ। अरे, हमने कब रोका है तुमको? तुम्हारी हर मांग जो रीजनेबल है हमने पूरी की है। जब कभी तुमने सीरियसली कुछ करना चाहा है, हमने तुम्हारा साथ दिया है, कभी रोका है तुमको? आजादी की क्या कमी है यहाँ? मैं कब कहती हूँ कि आप दोनों मुझे कुछ करने से रोकते हैं, पर साथ रहने में अपने आप कुछ न कुछ प्रतिबंध तो लग ही जाते हैं। न चाहकर भी आप दोनों के कहे वक्त पर ही मेरे खाना पीना सोना सब हो पाता है। आप जब सही समझते हैं तभी मैं बाहर जा सकती हूँ। मैं इन्हीं बंदिशों से छूटना चाहती हूँ। अब मेरे काम का वक्त और मेरी फुर्सत का वक्त दोनों मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। बाबा, जो जी में आए करो, काम का वक्त, फुर्सत का वक्त, जैसा जी में आए बिताओ, लेकिन सब इस घर की सीमा के अंदर। इस घर से बाहर जाने की तमाम ऊटपटांग बातें अपने दिमाग से निकाल दो। आजाद रहना चाहती हूँ। श्याम, तुमने इसको बहुत शह दे रखी है, कहते क्यों नहीं कि अपना मुंह बंद रखे?
एक मिनट प्रिया, जिस फ्लैट में तुम शिफ्ट होना चाहती हो वो कहाँ है? बहुत दूर नहीं है डैडी, यही एमजी रोड पर। तुम किस किस के साथ इसको शेयर करोगी? शोभा और आशा। अच्छा, कब शिफ्ट करने का इरादा है? क्रिसमस के दूसरे दिन। ठीक है, फ्लैट में जाना ही चाहती हो ना, फिर चली जाना शाम। पर ये घर तो तुम्हारा ही रहेगा, जब मन उब जाए या फिर अकेलापन लगे अपने घर लौट आना। थैंक यू डैड। चलो चलो। ओ गॉड। श्याम, पागल तो नहीं हो गए हो तुम? मेरे तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं, जानते हो क्या कर रहे हो? प्रिया आप कोई बच्ची नहीं रही, और तुम उसे इस घर से अकेले जाने की इजाजत दे रहे हो? हाँ बिल्कुल दे रहा हूँ, क्योंकि इस तरह वो समझेगी कि गुलामी क्या है और साथ मिल बांट कर शेयर करना क्या है। दोनों में छोटा सा फर्क है, ये फर्क मेरे तुम्हारे समझाने से उसकी समझ में नहीं आएगा। हाय 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 देवी जी, आपका इंतजार था। हम लोग गपशप करेंगे और उसके बाद अपने अपने कमरे में आराम करेंगे। हाँ प्रिया, हाँ हमने तुम्हारी पसंद का फर्नीचर किराए पे लिया, मगर एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ। क्या है? उस फर्नीचर वाले को पटाकर मैं 15% डिस्काउंट ले आई। हाँ। तब तो सेलिब्रेशन हो जाना चाहिए। आराम, क्या हुआ? मैं तो भूल ही गई, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को हाउस वार्मिंग के लिए यहाँ बुला रखा। ग्रेट। चलो चलो। नए साल की शुरुआत तक नो ऑफिस नो वर्क। हाँ, इतनी लंबी छुट्टी इतने दिनों बाद। देखो, मैंने एक शेड्यूल बनाया है और हम सारे काम आपस में इसी शेड्यूल के सहारे बांटेंगे। जैसे ही ऑफिस शुरू हो जाए, पहले हफ्ते लंच बनाएगी तू, अरे डिनर बनाएगी तू, और नाश्ता मैं बना दूंगी। नो वे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पहले सुनो सुनो तो, दूसरे हफ्ते ड्यूटी बदल लेंगे। ठीक है ठीक है। आजादी का सिर्फ तीसरा दिन है, यकीन नहीं आता, लगता है मुद्दतों से यहां हूं। हे भगवान, ये आशा तो बहुत ज्यादा ही पीने लगी है। शोभा भी एकदम जैसे डुबकियां लगा रही है।
मैं भी तो जाने क्या हो गया हम लोगों को। शायद थोड़ी देर सो जाना चाहिए मुझे। आज तो खाली बैठने का सवाल ही नहीं उठता। आज तो बोर होने का भी टाइम नहीं है, इतने सारे काम पड़े हैं। गुड मॉर्निंग। पार्टी हो जाए तो साफ करना कितना बोर लगता है ना। चलो मैं भी हाथ बटा दूं। अरे अभी कहाँ, अभी तो मुझे ये खत्म करना है। व्हाट, कुछ पता है क्या टाइम हो रहा है अभी? सुबह 8 बजे। खैर, क्या अभी एक कप स्ट्रॉन्ग कॉफी पीना बेहतर नहीं होगा? तुम पियो कॉफी, मेरे लिए ये ही ठीक है। लुकाशा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर में कई प्रॉब्लम्स हैं और इसीलिए तुमने फ्लैट लिया है हम लोगों के साथ। तुम्हें शायद परिवार की उन बंदिशों से बाहर निकलते ही एकदम तीर की तरह छूटने को जी चाहता है, पर ये जो तुम कर रही हो ना, दिस इज टू मच। खैर, तुम क्या जानो मेरे घर के बारे में? देखो तो। आशा, तुम्हारी माँ बाजार गई है। अरे देखो तो क्या लाई है। वाह, कितना खूबसूरत तोहफा है। प्रेमा इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। इतना सुंदर तोहफा तो उसे किसी भी जन्मदिन पर नहीं मिला। तू बड़ी अच्छी है, कितना उसकी पसंद का ख्याल रखती है। मासी, तुम गलत समझ रही हो, ये मैं अपने लिए, मैं भी भूल गई थी प्रेमा का बर्थडे है, इसलिए मैंने पहले आपको बताया। मुझे पहले दिखा दिया तो क्या गलती हो गई? मैं प्रेमा को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम्हारा सरप्राइज नहीं बिगाड़ूंगी, बस। ओ मासी, आई एम सॉरी, ये मैं अपने लिए लाई हूँ अपनी पहली तनख्वाह से। क्यों री, मुझे बुद्धू बना रही है? मैं जानती हूँ तेरी शैतानी, ये तू प्रेमा के लिए ही लेकर आई है। सॉरी मासी, प्रेमा मेरी फेवरेट कजिन है, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, पर ये मैं अपने लिए लाई हूँ। आशा, दे दो ना प्रेमा को, जन्मदिन है आखिर उसका, अपने लिए अगले महीने खरीद लेना, ऐसी भी क्या खुदगर्जी। माँ, मैंने इसे इतनी चाह से अपने लिए खरीदा, उसे क्यों दे दूँ? आशा, मौसी ने तुमको कितना कुछ दिया है, जरा सोचो तो, और ये तोहफा तुम प्रेमा को नहीं दे सकती? प्लीज, थैंक यू। तुम क्या जानो शेयर करने के बारे में, बांटते बांटते खुद बच जाने के बारे में। तुम्हारे घर का एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, तुम्हारे यहां न सिर्फ रूम तुम्हारा अपना है बल्कि छोटी छोटी चीजें भी तुम्हारे लिए अलग रख दी जाती हैं, जबकि मेरे यहां एक छोटा सा घर और रिश्तेदारों की भीड़ में खुद को ढूंढने की कोशिश। इधर सूरज की किरण ने खिड़की पर दस्तक दी और इधर काम शुरू। कमरा तो कमरा, बाथरूम तक 10 लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है। अपनी जरूरत की हर छोटी बड़ी चीज के लिए एक नहीं 10-10 बार दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, इजाजत लेनी पड़ती है।
उनके एहसान तले जीना पड़ता है। मैं थक गई हूं ये सुनते सुनते कि ये करो वो मत करो, इसलिए मैं वो घर छोड़कर इस घर में आई हूं ताकि खुली हवा में सांस ले सकूं, और ये आजादी मैं खोना नहीं चाहती। ठीक है, जो मर्जी आए करो, मैं नहीं रोकती तुम्हें। खूब पियो, पीकर बेहोश हो जाओ। अरे हाँ, इस आजादी का पूरा मजा लेना चाहो तो कुछ ड्रग्स भी ले लो ताकि कोई कसर बाकी न रहे। आजादी का मजा लूटते लूटते मौत को भी प्यार से गले लगा लेना। नशीली चीज तो हर नुक्कड़ पर मिलती है, दूर नहीं जाना पड़ेगा। शोभा ने शराब से हमारी दोस्ती करवाई, अब हम साथ साथ ड्रग्स भी ले सकते हैं। नशे में धुत हम तीनों जन्नत और जहन्नुम दोनों साथ साथ देख सकते हैं। आखिर दोस्ती किस काम की? हाँ, यही हमारा मोटो रहेगा, साथ पियो साथ मरो। ओफो प्रिया, तुम तो जरूरत से ज्यादा परेशान हो रही हो। नहीं यार, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि तुम्हारे पीने की वजह उदासी है। तुम्हारा मन जितना उदास है उतना ही मेरा मन भी है। अगर हमने अभी उदासी के इस घर से निकलने की कोशिश न की तो हमारा डूबना पक्का समझो। शराब का ये नशा अंदर की उदासी पर रंगीन पर्दा जरूर डाल सकता है, उसे मिटा नहीं सकता। प्रिया प्लीज, तुम इस तरह की बातें मत करो, हम लोग तो सिर्फ मजा कर रहे हैं। 3 दिन घर में पार्टी रही तो आज अचानक घर सूना सूना सा लगने लगा, इसलिए मैंने सोचा कि जिन पीकर मन को बहला लिया जाए, कम से कम डिप्रेशन तो नहीं होगा। हाँ वो तो है, कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है। वैसे घर में भी मामी डैडी दिन भर काम पर चले जाते थे, देर शाम को ही घर लौटते थे, पर वहां इतना अकेलापन नहीं महसूस होता था। You see, there was always a sense of expectancy waiting for them. प्रिया, मुझे लगता है एक बार हम लोग ऑफिस जाना शुरू कर देंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ अचानक इतना सारा खाली वक्त हमारे हाथ में है ना, तो पागल हो रहे हैं। घर में तो सुबह सुबह इतने काम होते थे, ये करो वो करो, मम्मी पीछे ही नहीं छोड़ती थी, और यहाँ अपना काम खुद करने को जी नहीं करता। मेरे घर में तो इतने सारे लोग हैं ना कि खालीपन लगने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पर काम करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, खुश हो तो ठीक, दुखी हो तो ठीक। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ, क्यों इतना इतना एम्प्टी लगता है। पता है आशा, मैंने फ्लैट में शिफ्ट करने के पहले कितने प्लान्स बनाए थे। सोचती थी पहली बार पूरी आज़ादी होगी, कोई रोक टोक नहीं होगा, पर अब लगता है इस तरह आज़ाद रहने से ज़्यादा मज़ा तो घर पर रहने में है, जहाँ मम्मी डैडी के कहे बिना कोई पत्ता तक नहीं हिलता। छोड़ो यार, तुम लोग भी बेकार की बहस लेकर बैठ गई। मैं बताऊँ, अब जल्दी से पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जल्दी से ग्लासेस निकाल यार, सारी उदासी दूर हो जाएगी, फिर जो जी में आए वही करते हैं। तुम लोगों के डिप्रेशन का मुझ पर भी असर हो रहा है, माय गॉड। तुम तो कमाल करती हो शोभा, मैं सोचती थी तुम हम सबसे ज्यादा समझदार हो, पर तुम तो मूड तो सबके बनते बिगड़ते रहते हैं, कभी बेवजह खुशी तो कभी बेवजह उदासी, सबको होती है। इस बेवजह उदासी को दूर करने के बहाने पीना पिलाना एकदम आर्टिफिशियल लगता है, इसे उदासी सचमुच दूर थोड़ी होती है। मूड्स की बात मत करो, मैंने बहुत कुछ देखा है मूड्स का करिश्मा। मेरे मम्मी पापा 1 मिनट रोमांटिक डायलॉग्स बोलते नजर आएंगे और 1 मिनट एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते। मैंने उन्हें एक ही मूड में लगातार 2 दिन कभी नहीं देखा। उनके साथ रहने से बोर होना नामुमकिन है। पलक झपकते प्यार, पलक झपकते झगड़ा, सब मूड्स का कमाल। कुछ ठिकाना नहीं कब क्या हो। मैं आर्ग्यूमेंट्स की बात नहीं करती, आर्ग्यूमेंट्स में तो आदमी फिर भी खुले दिमाग से अपना राय अपना नजरिया पेश करता है, पर यहाँ तो ऐसे गालियां एक्सचेंज हो जाते हैं कि पूछो मत। रिश्तों और लोगों के बारे में मेरा भ्रम टूट चुका है। रिलैक्स शोभा, इतनी परेशान क्यों होती हो? अपने मम्मी डैडी से खुलकर बात नहीं कर सकती तो हमसे बातें करो, फ्रेंड्स तो इसीलिए होते हैं ना। जी हाँ बेशक,
तभी तो आप हमें मुफ्त की सलाह दे सकेंगे। देख शोभा, वो लोग आपस में लड़ते हैं तो मेल भी कर लेते हैं, इसे हमें क्या फर्क पड़ता है, ये तो उनकी जिंदगी है। तुम तो मेरी बात समझ ही नहीं सकती। तुमको कभी अपने घर में इस तरह की लड़ाई को विटनेस नहीं करना पड़ा ना, इसलिए। किससे झगड़ते हैं दोनों, आपस में ही ना? ये तो अच्छा है कि आपस में लड़के टेंशन अपना हल्का कर लेते हैं, बजाय इसके कि शराब के नशे में डूबकर सामने खड़ी सच्चाई से मुंह मोड़ ले। डिप्रेशन हो तो थोड़ी देर बाद गुजर भी जाएगा, ये तो कुदरती चीज है। इसे बचने के बहाने शराब पीने से तो आदमी अपनी ही नजर में छोटा हो जाता है। क्यों, शराब पीने से कोई अपने नजर में कैसे छोटा हो जाता है? वो ऐसे कि जब आदमी शराब के हवाले हो जाता है तब अपने ऊपर नियंत्रण खो देता है, शराब उसे नचाने लगती है। भला किसी भी जहीन आदमी को यह पसंद आएगा कि वो इस तरह किसी भी चीज का गुलाम बन जाए? इस हद तक होश खोना कि जिंदगी की सच्चाइयां छुप जाएं, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। मैं हर घड़ी होश खोकर नहीं, होश में रहकर काम करना चाहती हूँ। डिप्रेशन से बचने के लिए नशे में नहीं डूबना चाहती। नशे की झोंक में छंद गटे एक नकली दुनिया में जीकर फिर डिप्रेस होना मुझे न मंजूर है न पसंद। फिर नशा, फिर डिप्रेशन। लेकिन जब डिप्रेशन होता है तब क्या नहीं करने को जी चाहता है? सोचो क्यों, क्यों हो रहा है डिप्रेशन? मैं वजह बताऊं तो शायद तुम मानने को तैयार न हो। मेरी नजर में वजह यह है कि हम इस नई आजादी को संभाल नहीं पा रहे हैं। हमने सोचा था कि अपना फ्लैट लेकर रहेंगे तो घर वालों पे हर बात के लिए डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, पर यहां तो हम शराब पर डिपेंड हो रहे हैं। इंसानों से मन बहलाने के बदले हमने शराब से मन बहलाना शुरू किया। क्यों, व्हाट्स रॉन्ग विद अस? मुझे तो सब बड़ा वाहियत लग रहा है। बड़े बेवकूफ निकले हम तीनों। अरे बेवकूफ हो गए तुम दोनों, मैं नहीं। मेरे दिमाग का तो स्विच ऑन हो गया है। अंदर कमरे में इस महीने का किराया पड़ा, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। अरे तूने सामान वामान भी पैक कर लिया? हाँ, मैंने कहा ना मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। पागलपन की बेहद होती है, आजादी का जुनून चढ़ गया था मेरे दिमाग पर, और आजादी के नाम पे क्या किया, सुबह से शराब पीना और नशे में धुत पड़े रहना। मैं तो भूल ही गई थी कि अपने गम अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटने में जिंदगी का असली सुख है। काश पहला घुट उतारने से पहले मैंने ये सब सोचा होता। अरे मुझे दोष मत दो कि मैंने तुम्हें पहली बार ड्रिंक दिया, याद है उस दिन हम सेलिब्रेट कर रहे थे, इसीलिए पी रहे थे कि हम खुश हैं, इसलिए नहीं पी रहे थे कि पिए बिना खुश होना नामुमकिन है। जो इंसान सचमुच अंदर से खुश होता है ना, वो उस खुशी को जाहिर करने के लिए शराब की ओर तो नहीं बढ़ता। एक खुशमिजाज इंसान अपने अंदर की खुशी चारों तरफ फैलाता है, क्योंकि वो जानता है कि डिप्रेशन और खुशी दोनों कुदरती है, कभी ये तो कभी वो, ये तो एक साइकिल है जो चलता रहता है। आह हा हा, क्या स्पीच दी है, मेरी तो आंखों के सामने से पर्दा हट गया। आजादी की खोज में मैंने तुम दोनों को अपना घर छोड़कर यहाँ आने के लिए कहा, मगर मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। मेरे ख्याल से तुम लोग भी वही महसूस कर रहे हो जो मैं महसूस कर रही हूँ। मेरा कहा मानकर तुम लोग यहाँ पर आए थे, अब मेरा कहा मानकर वापस अपने घर जाओ। हाय हाय, वेरी स्मार्ट, तुमने मेरी लाइन चुरा ली। मैं इस तजुर्बा का हीरोइन बनना चाहती थी, सुबह से तुम दोनों नालायकों को मैं लेक्चर दे रही हूँ और आखिरी सीन तुमने यूं चुरा लिया मुझसे। मैं तो कल ही घर लौटना चाह रही थी पता है, और मुझे तो पहले दिन पता था कि मैं यहाँ ज्यादा टिकने वाली नहीं। अरे मुझे तो इस फ्लैट में आने का मन ही नहीं था। हाँ? Ha 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 ha!